आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। दिल्ली सिख समाज के मजिंदर सिंह सिरसा पहुंचे खरगोन। खरगोन जिले में सिख लीगर समाज को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए दिल्ली के सिख समाज प्रबंधन समिति के प्रधान मजिंदर सिंह सिरसा खरगोन पहुंचे, जहां गुरुसभा में कोरोना गाइडलाइन का पालन करके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। बता दें खरगोन जिले का सिख लीगर अवैध हथियार निर्माण में लिप्त है। ऐसे में श्री सिरका ने लोगों की समस्याओं को सुना और उचित उपाय बताए। इसके संबंध में इस विषय पर शासन से चर्चा करने की बात भी कही। वहीं दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के पक्ष में उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर तीखे प्रहार किए। इसी दौरान समाज ने उनका जमकर स्वागत किया। बड़े लंबे समय से कई कारणों से पीड़ित हो रहा है। ये गुरु साहिबानों के वक्त से ही गुरु साहिबानों के शस्त्र बनाते रहे, फिर आज़ादी के लिए हमारे देश को आज़ाद कराने वाले महान योद्धाओं के लिए ये शस्त्र बनाते रहे। देश की आज़ादी के अंदर शस्त्र बनाकर देने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और अब कई कारणों से ये प्रशासन की पुलिस की पीड़ा के शिकार हुए हैं। इसकी जानकारी श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब और जनता दल श्री अकाल तख्त साहब तक जब पहुंची, हमें भी यहां के लोगों ने संपर्क किया, तो हमने सरदार मनजीत सिंह भाटिया जी जो कि प्रधान है इंदौर से, उनसे संपर्क साध कर हम यहां पर पहुंचे। अभी बातचीत कर कर क्या हो सकता है सरकार के माध्यम से आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर भी हम इनके साथ खड़े हैं और इनके मसलों का हल करने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे। कई बार सर पुलिस ने समझाइश भी दी और उसके बाद में कई बार इनकी मीटिंगें भी हुई, लेकिन कुछ लोग गलत हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन गलत का मतलब ये नहीं है कि उनकी भावना गलत है, लेकिन वो अलग इच्छा हो सकता है। लेकिन जो लोगों का इन चीजों से वास्ता नहीं है, जो लोग इस काम से परे जा चुके हैं, क्योंकि देखिए कभी ये शस्त्र बनाना ये हथियार बनाना देश के लिए इन लोगों के लिए गर्व माना जाता था और लोग इनको सम्मानित करते इसी चीज के लिए। आज वक्त बदल गया, हम भी साथ हैं, उसके कानून को मानना चाहिए। लेकिन कई लोग तो जबरन उनको पीड़ा किया जा रहा है, उनका इससे कोई वास्ता नहीं है। पुलिस एक को उठाती है और 50 को उठा के साथ ले जाती है, जो जो पैसे देता है, घर बार देता है, जायदाद बदनाम कराते हैं, बहुत धक्का होता है। उसकी आज विषय पे चर्चा करके इसका पक्का सोल्यूशन निकालते हैं। हमने मुख्य तौर पर अभी हम तो बहुत कुछ सोच कर आए हैं, लेकिन पहले इनकी बात सुनेंगे और उसके बाद फैसला। सर दूसरी बात, एक किसान आंदोलन भी दिल्ली में चल रहा है। किसान आंदोलन के साथ हम सब लोग जो है किसान है, किसान संघर्ष के साथ खड़े हैं हम। जब तक ये तीनों काले कानून खत्म नहीं होते, ये इसी तरह संघर्ष जारी रहेगा। और संघर्ष को रोकने के लिए सरकार ने बहुत सारे हथकंडे अपनाए हैं। कभी इनको खालिस्तानी कहा जाता है, कभी आतंकवादी कहा जाता है, कभी ये कह देते हैं कि लड़ने के लिए आए हैं, देश को तोड़ने के लिए आए हैं। सब वो काम किए जाते हैं जिससे किसान को बदनाम किया जा सके। लेकिन इन सभी हालातों के बावजूद किसान इस बात के ऊपर बेजिद है, किसान इस बात के ऊपर आधा है कि मुझे अपनी बच्चों के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इंसाफ लेकर ही उठना। सर तीन बार वार्ता हुई सरकार के साथ, लेकिन तीनों बार फेल हो गई। उसके बाद वार्ता बहुत बार हुई है, लेकिन सरकार वार्ता फेल करने के लिए करती है। सरकार को वार्ता करने की जरूरत ही नहीं है। जब सरकार ने किसानों के लिए कानून बनाया, किसान कुछ नहीं है, कानून रद्द कर दे, नए कानून किसानों के साथ बैठ के बना दे, जरूरत ही नहीं है वार्ता की। आप दिल्ली से गुर्दा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट हो, राज्यसभा में लोकसभा में कहा गया कि 183 किसानों के ऊपर देशद्रोह की धारा नहीं लगाई, लेकिन आपने एफर्ट किया, क्या क्या एफर्ट किया? देखिए अगर नहीं देशद्रोह की धारा लगाई तो कोई गुनाह थोड़ा कि सरकार ने कोई उनको कोई नाम थोड़ा दिया है। क्या वो देशद्रोही हैं किसान संघर्ष करने वाले लोग? मुझे याद है कि एक बार राजनाथ जी भी जब सरकार यूपीए की थी तो किसान संघर्ष के साथ खड़े थे, तो क्या उनके ऊपर यूपीए लग सकती है? तो यही कानून के खिलाफ सरकार खुद सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी भी आवाज उठाते रहे। ये जितने भी किसान बंद हुए उन सबकी जमानतें भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा